पूर्व व्याख्यान में हमने भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा की थी, जिनमें प्रमुख विशेषताएं थी बहुदलीय व्यवस्था, राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन और दलीय व्यवस्था में अस्थायित्व है। अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन का अभाव, संख्या की दृष्टि से शक्तिशाली लेकिन विभाजित विपक्ष, क्षेत्रीय दलों की शक्ति में निरंतर वृद्धि। आज के व्याख्यान में हम अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें पहली विशेषता है दलों में आंतरिक गुटबंदी। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। एक वह जो सत्ता या संगठनों के पदों पर आसीन है और दूसरा असंतुष्ट गुट। इन गुटों में पारस्परिक मतभेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी कभी चुनाव में एक गुट के समर्थन प्राप्त उम्मीदवारों को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। कांग्रेस, भाजपा, मार्क्सवादी दल और सभी क्षेत्रीय दल भी आंतरिक गुटबंदी से ग्रस्त है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक दलों की तुलना में भारत के राजनीतिक दलों में गुटबंदी अधिक है। अगली विशेषता है राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव। इसके कारण वे जनता के सम्मुख स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। कुछ राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनके द्वारा आंदोलनकारी राजनीति को अपनाया जाता है और विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया जाता है। वास्तव में सत्ता ही राजनीतिक दलों का असली धर्म हो गया है। अगली विशेषता है राजनीतिक दल बदल। भारत में दल बदल की स्थिति सदैव से विद्यमान रही है, लेकिन 1967 से 1970 और पुनः 1977 से 1979 के वर्षों में ये प्रवृत्ति बहुत अधिक भीषण रूप में देखी गई। दल बदल राजनीतिक अस्थिरता का कारण और परिणाम दोनों ही रहा है, तो इसने राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का कार्य किया है। 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल पर कानूनी रोक लगा दी गई तथा 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा दल बदल पर पूर्णतया रोक लगाने की चेष्टा की गई, लेकिन अब भी एक राजनीतिक दल के दूसरे राजनीतिक दल में विलय के नाम पर दल बदल किया जा सकता है और किया जा रहा है। दल बदल पर प्रभावी रोक तभी संभव है जबकि राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित हो और राजनीतिक दल आचार संहिता को अपनाए। अगली विशेषता है सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक अभिजन की कथनी और करनी में भारी अंतर। विकसित लोकतांत्रिक देशों में यह देख पाना संभव नहीं है, लेकिन भारत में सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक अभिजन की कथनी और करनी में भारी अंतर पाया जाता है। सभी दलों ने लोक लुभावन मुखौटे पहन रखे हैं, लेकिन वस्तुतः ये सत्ता के प्रति समर्पित हैं। दलीय नेता अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। अगली विशेषता है वंशानुगत नेतृत्व की प्रवृत्ति। भारत के अधिकांश दलों में वामपंथी दलों को छोड़कर व्यक्ति की प्रधानता हो गई है। उनमें वंशानुगत नेतृत्व की प्रवृत्ति है और राजनीतिक दलों के छोटे बड़े नेतागण अपने ही पारिवारिक सदस्यों को आगे बढ़ाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। परिणामतया सक्रिय कार्यकर्ता गहरी निराशा का अनुभव कर रहे हैं। अगली विशेषता है राजनीतिक दलों और राजनीति में अपराधी तत्वों और गतिविधियों में निरंतर वृद्धि। राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक जीवन की स्वच्छता ने अपना महत्व खो दिया है। एक ही उद्देश्य रह गया है, येन केन प्रकारेण अपने प्रभाव में वृद्धि और सत्ता प्राप्ति। परिणामतया
राजनीतिक दलों में अपराधी तत्वों की संख्या, उनके प्रभाव और वर्चस्व में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दलों में ये प्रवृत्ति अधिक है। संदिग्ध चरित्र के व्यक्तियों की संख्या दलीय संगठनों तथा प्रतिनिधिक संस्थाओं में बढ़ रही है। इस स्थिति पर तभी नियंत्रण स्थापित हो सकता है जब सभी राजनीतिक दल शुद्धि यज्ञ के मार्ग को पूरी सजगता, निष्पक्षता और आवश्यक कठोरता के साथ अपनाएं। इस संबंध में नॉर्मन डी पॉमर का ये कथन आज भी सत्य है कि भारत में अब तक स्वस्थ दलीय व्यवस्था उभर कर नहीं आई है और निकट भविष्य में भी ऐसा हो सकना कठिन मालूम होता है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने भारतीय की जो दलीय व्यवस्था है उस दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।